हेलो व्यूअर्स, हाय स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आई एम बिल्किस ऑफ योर मैथ्स टीचर. सो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर में अगर इक्वेशन गिवन होगा वो तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे. अब अगर आपके पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, सो वर्ड प्रॉब्लम्स में से आपको पहले इक्वेशन फॉर्म करना है, फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो किस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम में से इक्वेशन फॉर्म करोगे वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर आपके बोर्ड के एग्जाम में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उस पर ये आते हैं ये क्वेश्चन. ओके, सो आप बिना स्किप करके वीडियो को कंप्लीट करिए. चलिए फिर क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. व्हाट इज द फ्रैक्शन? सो फ्रैक्शन मीनिंग क्या है? फ्रैक्शन मीन्स एक न्यूमरेटर में कुछ नंबर होगा एंड डिनोमिनेटर में कुछ होगा. सो आपको पहले क्या लेट कर लेना है कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. सो पहले वो लिख लो, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. अब देखो कंडीशन आपके पास क्या क्या बोल रहा है. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, सो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? x. अगर उसके साथ हमने 1 ऐड करा एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से अगर हमने 1 माइनस करा, सब्सट्रैक्ट करा, सो देन इट विल रिड्यूसेस टू 1. ये 1 में चेंज हो जाएगा, ये जो फ्रैक्शन है ये 1 में चेंज हो जाएगा. ये आपका फर्स्ट कंडीशन है. ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखोगे कि बाय द गिवन कंडीशन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1. ओके, ये आपका फर्स्ट है. एंड उसी तरह बाय द गिवन इंफॉर्मेशन और एक इक्वेशन फॉर्म होगा, वो क्या होगा? देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, इट बिकम्स हाफ, ये हाफ हो जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. अगर हमने ओनली डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड करा, दैट मीन्स न्यूमिनेटर आपका कुछ चेंज नहीं होगा उसमें. डिनोमिनेटर के साथ अगर हमने ओनली 1 ऐड करा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? हाफ में चेंज हो जाएगा. ओके, सो ये आपके पास और एक यहाँ पे रिलेशन आ गया. अब आपको इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, पहले तो ये देखो, ये लीनियर फॉर्म में लेकर आना है. फर्स्ट टर्म क्या है? ये जो यहाँ पे आपके रिलेशन है, यहाँ पे इसको, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में किस तरह से चेंज करोगे? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. सो ये क्या होगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, दैट मीन्स 1 अपॉन 1. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x प्लस 1 और इसके साथ ये भी y माइनस 1, दैट मीन्स x y इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 उधर जाके फिर माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 2. सो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2. फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन है. ओके, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, एकदम लीनियर फॉर्म में, इजी फॉर्म में आ गया. ओके, उसी तरह सेम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1. सो ये क्या हो गया, 2x y इधर लेकर आ जाओ इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया. अब आपके पास दो इक्वेशन है, उसको आप किसी भी मेथड से यूज करके, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन, कुछ भी मेथड्स यूज करके इसको आपको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है. अब जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वही आपका हो जाएगा एक्स अपॉन वाई करके, वो आपका फ्रैक्शन, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. इक्वेशन सॉल्व तो आप कर लोगे. अगर इक्वेशन सॉल्व करने में भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करिए. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रीड करो. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. So, how old are Nuri and Sonu? Nuri और Sonu का जो present age, वर्तमान आयु क्या है, वो आपको बताना है. दो condition दे दिया है. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया कि 5 years ago, 5 साल पहले, Nuri was thrice
एज ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू के एज की थ्राइस दैट मीन्स तीन गुनी थी, और 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू के जो एज है उसकी दो गुनी हो जाएगी। सो सबसे पहले आपको क्या लेट कर लेना है कि लेट प्रेजेंट एज, अभी जो एज है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो वो आप पहले लेट कर लो। क्या लेट कर लोगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू का वाई। ओके पहले इरेज कर लो एक मिनट। सो देखो सबसे पहले लिखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट नेम क्या है नूरी बी एक्स, ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। ओके अब देखो कंडीशन क्या है, अब उसके साथ मैच करो। 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो क्या होगा, 5 साल पहले, अब इसका प्रेजेंट जो एक्स एज है वो एक्स है, तो 5 साल पहले उसका क्या होगा, उसका एज एक्स माइनस फाइव होगा, 5 साल कम होगा ना, क्योंकि अभी अगर मान लो उसका एज 15 है, सो 5 साल पहले क्या होगा 10 होगा, मतलब जो भी है उससे 5 कम हो जाएगा, सो एक्स माइनस फाइव, 5 ईयर्स एगो नूरी का एज क्या है एक्स माइनस फाइव। अब क्या कहेंगे, नूरी वर्स थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू के एज के तीन गुनी, ठीक है, तीन गुनी थी। अब सोनू का एज क्या है, तीन गुनी थी, किसके एज के, सोनू, सोनू का एज क्या होगा, 5 साल पहले क्या था सोनू का भी वाई माइनस फाइव। ये कंडीशन समझ में आया स्टूडेंट्स, अच्छे से देखो पहले क्लियर करो कॉन्सेप्ट। 5 साल पहले, 5 साल पहले दोनों का एज पहले क्या क्या हो जाएगा, देखो ये नूरी का जो एज है वो एक्स माइनस फाइव, 5 साल आपको कम करना है, एंड सोनू का भी वाई माइनस फाइव। अब रिलेशन दे दिया है कि नूरी का जो एज है वो सोनू के एज का तीन गुनी थी 5 साल पहले, तो 3 गुना हमने कर दिया। सो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। सो ऊपर आपको क्या लिखना है, बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 3 × y − 5, ये आपका फर्स्ट। अब इसको आप सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 3y − 3 × 5 = 15। सो दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 15 है, ये माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस 10। सो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इस पर कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस, दो गुनी हो जाएगी एज कितने साल, 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद वो सोनू के एज का दो गुनी हो जाएगी। सो सेकेंड कंडीशन क्या होगा, अगर यहीं पे मैं लिखूं सेकेंड कंडीशन क्या होगा, सो अभी प्रेजेंट एज एक्स है, सो 10 साल बाद जो भी है उसके साथ 10 साल ऐड हो जाएगा, ठीक है, सोनू का भी जो भी है उसके साथ 10 साल ऐड हो जाएगा, लेकिन नूरी सोनू के एज के ट्वाइस, दो गुनी हो जाएगी 10 साल बाद, ठीक है। सो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2y + 20, सो दैट मीन्स एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, दैट मीन्स 10। सो ये आपका इक्वेशन टू हो गया, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट्स, सो एक हो गया आपका एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन आपके पास है इजी फॉर्म में, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये आप सॉल्व कर लोगे, जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वही आपका नूरी एंड सोनू का प्रेजेंट एज हो जाएगा। ओके नो डाउट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो, क्वेश्चन रीड करो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जरा ध्यान से, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से आप देखो स्टूडेंट्स।
सो फर्स्ट में क्या बताया कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर क्या होता है जिसमें आपके एक वन पे, ये तो वन का प्लेस, ये 10 का प्लेस होता है, इस पे कुछ नंबर होगा सपोज 3, यहाँ पे 2, जैसे ये 23 एक टू डिजिट नंबर है, उसी तरह 18 दो टू डिजिट इस तरह से नंबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। तो टू डिजिट नंबर में जो डिजिट है, पहले आपको क्या मान लेना है कि सपोज जो आपके वन डिजिट पे, लेट द यूनिट डिजिट 1, इसको आप यूनिट डिजिट भी कह सकते हो। ठीक है, इसको और क्या नाम है, यूनिट डिजिट। सपोज यूनिट डिजिट को हमने एक्स मान लिया एंड 10 डिजिट है उसको हमने वाई मान लिया। सो क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर के जो डिजिट्स है उसका सम करोगे तो वो 9 हो जाएगा। ओके, ये तो एक बार पहले लिखो अच्छे से। सो पहले आपको क्या लेट करना है कि लेट द यूनिट डिजिट बी x, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड लेट द 10 डिजिट बी वाई। ओके, सो बाय द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, बाय द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई एक ही मीनिंग है, बस सम करना है दो डिजिट्स के। ओके 9। अब सेकेंड में क्या है, देखो यही आपका मेन इक्वेशन बनेगा, वो क्या है देखो, कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो आपके यूनिट डिजिट एक्स और 10 डिजिट वाई से जो आपका संख्या बनेगा उसका 9 टाइम्स, तो इसमें संख्या क्या है, संख्या यहाँ पे आपके यूनिट डिजिट और 10 डिजिट में, यहाँ पे एक से यहाँ पे वाई है, तो संख्या क्या वाई एक्स है। यहाँ पे बच्चे यही गलत करते, संख्या लिखते वाई एक्स नहीं। ठीक है, जैसे आपको मान लो यूनिट डिजिट में 3 है, 10 डिजिट में 2 है, तो संख्या क्या होता है, किस तरह से हम उसको लिखते हैं, जैसे ये 2 है, 10 प्लेस में है ना, सो दैट मीन्स 10 इंटू 2 प्लस 3 होता है, दैट मीन्स 10 इंटू 2 20 प्लस 3, तभी 20 प्लस 3 होता है 23। सपोज यहाँ पे 10 और यहाँ पे यूनिट प्लेस में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, सो ये क्या होता है, 10 10 प्लस को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यूनिट प्लस को 1 के, अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक ही होगा, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा, इसलिए 10 इंटू 5 प्लस 2 दैट मीन्स 50 प्लस 2 तो 52। इस तरह से हम ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, तो फिर यहाँ पे जब वाई एक्स है तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 10 वाई प्लस एक्स। ओके, सो ये आपको अच्छे से समझना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो क्या बोल रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो आपका नंबर है उसका 9 टाइम्स, तो नंबर क्या है, नंबर आपका है 10 वाई प्लस एक्स। ठीक है, इसका 9 टाइम्स, दैट मीन्स 9 इंटू 10 वाई प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स किसके साथ इक्वल है, देखो इसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर, उस नंबर के दो गुना होगा ऑब्टेंड बाय, जो नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर यहाँ पे जो डिजिट है, यहाँ पे आपके यूनिट और देखो यहाँ पे आपके एक्स है, यहाँ पे अगर वाई है, तो इससे बनी संख्या क्या हुआ था हमारे पास, 10 वाई प्लस एक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, डिजिट अगर आप चेंज कर दोगे, यहाँ पे एक्स लिखोगे, यहाँ पे वाई लिखोगे, उससे जो संख्या आपका बनेगा, दैट मीन्स 10 एक्स प्लस वाई, इसमें संख्या क्या है, 10 एक्स प्लस वाई होगा। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, देखो मैं अच्छे से और एक बार लिख रही हूँ, यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे आपका y कर दिया, यहाँ पे x कर दिया, यूनिट चेंज हो गया। अगर ये यूनिट अपने चेंज कर दिया, जो डिजिट से डिजिट अपने चेंज कर दिया, सो यहाँ पे इससे बनी संख्या क्या होगा, फिर 10x प्लस वाई,
क्योंकि 10 के प्लस में x है, तो 10x प्लस 1, तो वही कह रहा है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। डिजिट्स को रिवर्स करके आपको जो नंबर मिलता है उसके ट्वाइस, दो गुनी के साथ बराबर हो जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन तो इजी है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। सो क्या ये हो जाएगा 90y, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ओके, ऊपर देखो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। सो ऊपर क्या होगा, देखो यहाँ पे 90y प्लस 9x, सब इधर लेकर आओ, माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो ये सॉल्व करोगे तो 90x माइनस 2y दैट मीन्स 88y, माइनस 20 में से फिर 9 माइनस कर दोगे, 11 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई हो सकता है 11 के टेबल में, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11। सो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद, लेकिन आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, नंबर क्या है, 10y प्लस 8। सपोज आपके पास, मान लो एक्स का वैल्यू आपके पास आया 8 एंड वाई का वैल्यू आया 1, सो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस 6, तो 10 इंटू वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 8, दैट मीन्स 10 प्लस 8 सो 18, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर सकते हैं हम। ओके चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, मीना वेंट टू द बैंक टू विदड्रॉ रुपीज 2000। मीना बैंक में गई है, ठीक है, पैसे विदड्रॉ करने के लिए, कितने पैसे, 2000 रुपीज। सी आस्क्ड अ कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को क्या बताया कि एक मिनट, पहले एक पर क्वेश्चन के साथ साथ मैं अगर लिखूंगी और भी अच्छे से आप कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। देखो पहले तो यह है क्वेश्चन नंबर 4, 2000 रुपीज विदड्रॉ करने के लिए मीना बैंक में गई है, कैशियर को जाके क्या बताए कि ₹50 और ₹100 का ही ओनली नोट चाहिए। क्या नोट चाहिए, ₹50 का एंड ओनली ₹100 का ही नोट्स चाहिए और अदर्स कुछ नोट नहीं चाहिए। अब क्या है, फाइंड, अब मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब कैशियर ने जितने भी नोट्स दिए, सपोज ₹50 के एक्स नोट दिए एंड ₹100 के वाई नोट्स, तो यहाँ पे है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना कुल मिला के टोटल 25 नोट्स उसके पास है, दैट मीन्स यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना है, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ठीक है। तो पहले एक बार अच्छे से लिख के करती हूँ। तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स। माना ₹50 के उसको कितने नोट्स दिए, एक्स। अब एक्स वो 30, 40, 50 कुछ भी नंबर हो सकता है, ओके। एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी वाई, एंड 100 रुपीज की वाई नोट्स उसको दिए। सो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, देखो बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन में गिवन है कि मीना को, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, कुल मिला के टोटल 25 नोट्स, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। एंड फाइंड हाउ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। क्वेश्चन है
ये जो 50 रुपीज के कितने नोट्स है एंड 100 रुपीज के कितने नोट्स है, मीन्स एक्स एंड वाई आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन और एक इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होगा, यहाँ तो एक ही इक्वेशन फॉर्म हुआ है। सो और एक इक्वेशन आपको फर्स्ट लाइन में गिवन है कि उसने कितने पैसे निकालने के लिए बैंक में गई थी, रुपीज कितने रुपीज है, 2000, ठीक है 2000। तो ये 2000 किस काम में आया यहाँ पे, वो तो कहीं पे आपको यूज करना है, तो उसके हेल्प से ही और इक्वेशन बनेगा। वो किस तरह से, देखो अगर 50 रुपीज के कितने नोट्स एक्स, तो वहां पे रुपीज कितना हो गया, अगर आपके पास 50 रुपीज के दो नोट हैं, ठीक है दो नोट से एक दो, कितने रुपीज के हैं 50, तो आपके पास टोटल पैसे कितना हो जाएगा, टोटल 50 × 2 से आप गुना कर दोगे, दैट मीन्स आपके पास टोटल 100 रुपीज हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इसमें? तो उसी तरह 50 रुपीज की अगर एक्स नोट है तो उसके पास टोटल रुपीज कितना होगा, टोटल 50 × x, दैट मीन्स 50x इतना रुपीज होगा। एंड उसी तरह से 100 रुपीज का वाई नोट है, सो टोटल रुपीज कितना होगा, 100y, 100 रुपीज का अगर वाई नोट है तो 100y। अब ये जो 50x और 100y, ये दो पैसे मिला के ही तो 2000 होगा, 2000 रुपीज निकालने के लिए, विदड्रॉ करने के लिए ये वो बैंक में गई थी, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। सो अब सेकेंड इक्वेशन तो किस तरह से बनेगा, सेकेंड इक्वेशन आपका हो जाएगा 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, 2000, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना, पहले तो 0, 0, 0 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 के टेबल में 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20, 1 0, दैट मीन्स ओनली एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये आपका सेकेंड इक्वेशन लिखना। तो अब इक्वेशन इजी फॉर्म में आ गया, इसको सॉल्व करोगे, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ओके स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, अच्छे से समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मेन आपका इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा वो तो सॉल्व कर लोगे, ओके। अब देखो लास्ट क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स, आर लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ओके। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पहले ये रेस कर लूं, क्वेश्चन में जो किराया पे पुस्तक देते ऐसे जो लाइब्रेरी है, उन्होंने क्या बताया कि जो फर्स्ट 3 दिन के लिए, फर्स्ट 3 days के लिए कोई फिक्स्ड, एक फिक्स्ड प्राइस है जो देना ही है। सो आगे क्या है, देखो सरिता पे 27 रुपीज फॉर अ बुक गिफ्ट फॉर 7 days, सरिता ने 7 days के लिए एक बुक्स उसने किराए पे लिया था, तो उसके लिए उसको कितना उसने पेड कर दिया, सरिता ने 27 रुपीज, ओके। एंड सूजी पेड रुपीज 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days, उसने कितने दिन तक केप्ट करके रखा, आपके सूजी ने 5 days तक, सूजी ने 5 days तक उसके लिए उसने कितना रुपीज उसने दिया, 21 रुपीज। क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, ये जो 3 दिन के लिए 3 days के लिए जो फिक्स्ड चार्ज है वो आपको फाइंड करना है। हम मान लेंगे वो जो फिक्स्ड चार्ज है वो एक्स है, एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे, अब ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है, जो अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा रखेगा तो उसके लिए चार्ज क्या है, उसको हम वाई मान लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, सो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, फॉर फर्स्ट 3 days बी एक्स, ओके एनी प्रॉब्लम, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे क्या हो जाएगा बोलो, बी वाई, ये हमने मान लिया।
सो बाय द गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन किस तरह से होगा? देखो, सरिता ने 27 डेज के लिए, सॉरी 27 रुपीज उसने उसने दिया. सो वो कितने दिन के लिए वो बुक्स उसके पास था? 7 डेज के लिए. सो फास्ट 7 डेज मतलब क्या है? फास्ट 3 डेज प्लस 4 डेज, तभी तो 7 डेज होगा. सो फास्ट 3 डेज के लिए उसने तो एक्स रुपीज दिया, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, फास्ट 3 डेज के लिए एक्स रुपीज देना है. अब नेक्स्ट, अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा बुक्स, एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा बुक्स रखेगा तो उसके लिए वाई देना है. तो यहाँ पे 4 डेज, कितना एक्स्ट्रा डेज है? 4 डेज, दैट मीन्स 4 वाई. एक दिन के लिए वाई रुपीज, सो 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए 4 वाई रुपीज. तो एक्स प्लस 4 वाई, दैट मीन्स टोटल कितना उसने पेड कर दिया? 27. कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? समझ में आया? फिर सो ये सरिता ने बाय द गिविंग कंडीशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया कि फर्स्ट 3 डेज के लिए एक्स रुपीज उसने दिया और जो एक्स्ट्रा 4 डेज उसके पास वो किप्ट करके रखी थी वो बुक्स, उसके लिए 4 वाई उसको देना पड़ा. सो दैट मीन्स टोटल एक्स रुपीज प्लस 4 वाई रुपीज, दैट मीन्स 27 रुपीज. ये फर्स्ट कंडीशन हो गया. उसी तरह सेकेंड में क्या है? सूजी, सूजी ने कितने दिन के लिए वो बुक किप्ट करके रखी थी? 5 डेज के लिए. 5 डेज के लिए, सो 5 डेज का मीनिंग क्या है? 3 डेज प्लस 2 डेज, तभी तो 5 होगा. सो इसमें आपका इक्वेशन क्या बनेगा? फिर 3 डेज के लिए x रुपीस एंड एक्स्ट्रा 2 डेज के लिए 2 वाई रुपीस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है 21 रुपीस उसको उसने पेड कर दिया, 21 रुपीस. तो ये आपका सेकंड इक्वेशन है. अब ये इक्वेशन सॉल्व करना है एंड x एंड y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, ओके. सो ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. थैंक यू.